क्या मायावती और अखिलेश यादव को साथ साथ आना चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी भी मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन प्रासंगिक है? क्या ये दोनों गठबंधन, यानी कि जो दो लोग हैं गठबंधन करके, अखिलेश और मायावती गठबंधन कर लेते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोक पाएंगे? ये ऐसे सवाल हैं जो लगातार सदाबहार बने हुए हैं और इन प्रश्नों का जवाब मिलने को नाम नहीं ले रहा है। ये इसलिए क्योंकि लगातार हर तरीके के गठबंधन की जोर आजमाइश अखिलेश यादव कर चुके हैं, कांग्रेस से भी किए, मायावती से भी गठबंधन के, लेकिन अखिलेश यादव को सफलता नहीं मिली। अब इन सब के बीच में हमने यही किया सबसे बड़ा पोल, और सबसे बड़े पोल में सबसे चौंकाने वाले नतीजे, जी हाँ, हमने पूछा कि क्या मायावती और अखिलेश यादव को साथ साथ आना चाहिए। इस पूरे पोल में 73% लोगों का मानना है कि हाँ, अखिलेश यादव और मायावती को साथ साथ आना चाहिए, जबकि 27% लोगों का मानना है कि नहीं, साथ साथ नहीं आना चाहिए। लेकिन जो 73% लोग कह रहे हैं वो निराधार नहीं कह रहे, क्योंकि आम जनता के पोल होते हैं, आम जनता जिस बात को लेकर के कहती है तो उसके आधार भी होते हैं, तथ्य भी होते हैं, और वो हवा हवाई बातें नहीं होती। इसलिए महत्वपूर्ण है ये बात, चूंकि मायावती और अखिलेश यादव की राजनीति लगभग सिमिलर है, यानी कि पिछड़ों की राजनीति करते हैं, एक पिछड़ा वर्ग समुदाय जो है उसकी राजनीति, उसको टारगेट करके राजनीति करते हैं। हालांकि अखिलेश यादव पर MY फैक्टर वाली पार्टी कहा जाता है, यानी मुस्लिम यादव फैक्टर की पार्टी कही जाती है, समाजवादी पार्टी, जबकि बहुजन समाज पार्टी बहुजनों की पार्टी मानी जाती है। लेकिन हाल के वक्त में भारतीय जनता पार्टी इन दोनों ही पार्टियों के वोट बैंक पर गहरी सेंध लगाई है, और यही कारण था कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में मायावती और अखिलेश यादव को काफी नुकसान भी हुआ है। क्योंकि जो MY फैक्टर रहा हो या फिर पिछड़ों या बहुजनों की राजनीति रही हो, दोनों जगह पे भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब रही है, और इसी वजह से मायावती और अखिलेश यादव बैकफुट पर आए हैं। लेकिन अब जब आम जनता से हमने यह सवाल पूछा कि क्या दोनों को साथ साथ आना चाहिए, हालांकि एक पिछला गठबंधन उनका रह चुका है, अखिलेश यादव और मायावती का, और ये बहुत अहम गठबंधन था क्योंकि दोनों उत्तर दक्षिण की राजनीति करते थे, लगभग धुर विरोधी माने जाते थे, और मायावती के तल्ख रिश्ते जो थे वो अखिलेश यादव के पिता यानी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से तल्ख रिश्ते थे। बावजूद इसके मायावती और अखिलेश यादव एक बार फिर से आए, यानी वेंटिलेटर पर जो धूल जम गई थी रिश्तों पर, उसको एक बार फिर से जीवित करने की कोशिश की, लेकिन इस रिश्ते पर पानी फेर दिया आम जनता ने, इस गठबंधन को जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। सिरे से खारिज करने का मतलब यह है कि जितनी सोच के साथ, जितनी सीटों के सोच के साथ अखिलेश यादव और मायावती मैदान में उतरे थे, नहीं सफलता मिली। इसीलिए आज भले लोग बोल रहे हैं, 73% लोग भले बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव और मायावती को साथ साथ आना चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव और मायावती के गठबंधन को जनता स्वीकार कर लेगी या स्वीकारी मानेगी भी? क्योंकि स्वीकार्यता मान लेना अलग बात होती है, साथ साथ आने का मतलब यह है कि जिस तरीके की राजनीति दोनों लोग करते हैं, विचारधारा लगभग मिलती जुलती सी है, और विचारधारा मिलने के साथ ये इस तरीके से मान सकते हैं जैसे शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन हुआ करते थे, ठीक उसी अंदाज में लोगों को लगता है कि मायावती और अखिलेश यादव को आना चाहिए। ये बात संभव है कि यहाँ पर जो पुराने वोटर्स थे उनके अखिलेश यादव और मायावती दोनों मिल करके उसको संभाल सकते हैं, लेकिन संभालने के पीछे की रणनीति जो होती है, जो बातचीत होती है, उसको समझने की भी बहुत बारीकी से ज़रूरत है। इन तमाम तथ्यों को अगर बारीकी से आप समझें तो एक चीज़ समझ में आती है कि जो जातीय समीकरण के आधार पर पार्टियां चलती हैं या जातीय समीकरण को ध्यान में रख करके पार्टियां काम करती हैं, उनके लिए भी कई चुनौतियां हैं, और वो चुनौतियां यही हैं कि जो फैक्टर इनके हैं वो फैक्टर थोड़े से कमज़ोर नज़र आते हैं, इसलिए इन परिस्थितियों को भांपने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर अखिलेश यादव और मायावती अगर साथ में आ भी जाते हैं तो इन परिस्थितियों में क्या वो मौजूदा स्थिति पर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे मजबूत स्थिति में है, उनके पास योगी आदित्यनाथ जैसा एक कद्दावर नेता है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री बने थे, तब तक वो प्रासंगिक नहीं थे, लेकिन जब से वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, यानी यूपी की जब से कमान संभाले हैं, तो बहुत मजबूत स्थिति में है, और एक बार फिर से अपने चेहरे पर 2022 में विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं, जबकि अखिलेश यादव का इतिहास ये रहा है कि वो अपने पिताजी के दम पर चुनाव जीते थे, उनके पिताजी और उनके चाचा जो शिवपाल यादव थे उनके दम पर चुनाव जीत करके उत्तर प्रदेश के विधानसभा में काबिज हुए, उसके बाद जब वो अगला चुनाव हुआ तो उनको हार का सामना करना पड़ा, और उसके बाद से फिर वो कभी जीत नहीं पाए हैं। यहाँ पर अखिलेश यादव के साथ चुनौती ये है कि दोबारा उनके सत्ता में वापसी नहीं हो पाई है, और इसीलिए वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पर समझने लायक बात है कि इन्हीं सब घटनाक्रमों को देख करके योगी आदित्यनाथ काफ़ी मजबूत हुए और अपनी स्थिति को काफ़ी ज़्यादा तटस्थ किए हैं,
और अब योगी आदित्यनाथ की विश्वसनीयता और सत्ता पर लोकप्रियता के हिसाब से जिस तरीके से उनकी लहर चल रही है, तो आगे भी जनता का विश्वास उनके प्रति बढ़ता जा रहा है। देखने लायक बात यह होगी कि अखिलेश यादव मायावती इस गठबंधन के जरिए क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के वोट में सेंध लगा सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।